प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बुरी बात यह नहीं है कि आप काम वक्त पे खत्म नहीं कर पाते या काम वक्त पे शुरू नहीं करते। उसकी सबसे बुरी बात यह है कि क्योंकि हम वक्त पे काम शुरू नहीं करते, हम गिल्ट में समा जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ कोई गलती हुई है, हम में ही कुछ कमी है, हमसे ही ना हो पाएगा, एंड हम ही हैं जो इसके साथ जूझते रहते हैं। एंड दैट लीड्स टू अ पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ थॉट, ऑफ एक्शन, ऑफ माइंड एंड ऑफ कॉन्फिडेंस। इस वीडियो में प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील किया जाए, कौन से टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन, समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस गिल्ट में ना रहें। सबसे पहले, शुरुआत करने से पहले ये जानना बहुत 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 जरूरी है दोस्त कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, आप में कुछ कमी नहीं। ये नहीं है कि आप एक बुरे इंसान हैं, कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। इट इज समथिंग विच कैन बी चेंज्ड, इट इज समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन। आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस गिल्ट में, इस प्रेशर में, इस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में हमेशा ना रहें एंड रिलीव योर सेल्फ थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। एंड इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील किया जाए या कैसे उसको समझा जाए जरूरी है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि ये आपकी गलती नहीं है, ये एक चॉइस है दैट यू कैन एक्सरसाइज टू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ। पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से शुरू करते हैं, आसान चीजें जो कि आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन और एटलीस्ट हैंडल इट, ताकि आप कम से कम पैरालाइज्ड ना फील करें। मेरा फेवरेट है द पोमोडोरो प्रिंसिपल, पोमोडोरो टेक्निक, प्रिंसिपल नहीं टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक बेसिकली 30 मिनट का स्लॉट होता है जहां आप 25 मिनट काम करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट काम करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट, फिर 5, फिर 25, फिर 5, ऐसे 4 पोमोडोरोस के बाद एक लंबा 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से 4 पोमोडोरोस रिपीट करते हैं। व्हाई डज इट वर्क? नंबर एक, आप उस 5 मिनट की ब्रेक को एंटिसिपेट करते हैं, तो आपको पता है कि इस 25 मिनट की मेहनत के बाद, इस काम के बाद आपको वो 5 मिनट की ब्रेक मिलेगी, एंड दैट एंटिसिपेशन मेक्स अस फोकस ड्यूरिंग द 25 मिनट्स। ये प्रूवन है बाय द वे कि पोमोडोरो टेक्निक वर्क्स एंड वर्क्स इमेंसली वेल टू गेट समवन टू फोकस। बहुत सारे एप्स हैं जो पोमोडोरो टेक्निक को आपको फ्री में अवेलेबल दिला देंगे, तो वो 25 मिनट का टाइमर चलेगा, फिर एक अलार्म बजेगा, फिर 5 मिनट की ब्रेक का टाइमर चलेगा, फिर अलार्म बजेगा। सो यू कैन एक्चुअली ट्रैक दैट एंड बी अ पोमोडोरो निंजा व्हेन इट कम्स टू वर्क। दूसरा बहुत बढ़िया टेक्निक इज कॉल्ड द 2-मिनट रूल। हमारा दिमाग इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट करता है क्योंकि हमें लगता है यार इतना सारा काम है, कहां से शुरू करें, बाद में कर लेंगे, हमें लगता है कि अभी भी वक्त है। लेकिन ये 2-मिनट रूल आसान कर देता है बहुत सारी चीजें। अगर कोई भी काम 2 मिनट या 2 मिनट से अंदर में हो सकता है, विच डज नॉट इंक्लूड मेकिंग मैगी, वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो उसको उसी समय कर दीजिए, उसको पोस्टपोन मत करिए। एंड हियर इज अ साइंटिफिक रीजन, हमारा दिमाग कंप्लीटेड टास्क को नहीं, इनकम्प्लीट टास्क को हमेशा याद रखता है। इसीलिए अक्सर हम एक वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, कुछ करते हैं, और हम उसको भूल जाते हैं। एक ऐसा लगता है यार अभी तो गए थे, भूल भी गए, लेकिन कोई चीज जो हमने शुरू करी थी और खत्म नहीं करी वो अभी भी याद है। दैट्स बिकॉज आवर माइंड इज स्ट्रक्चर्ड दैट वे। तो अगर आप अपने दिमाग को एक टू डू लिस्ट देते रहेंगे ना कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, अभी वक्त नहीं है, अभी नहीं कर सकते, आपका दिमाग आप पे हावी हो जाएगा एंड इट विल वॉन्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत है ना ये सारे कामों को शुरू करने में, यार बाद में करेंगे। सो द 2-मिनट रूल इज कि जो काम भी 2 मिनट या 2 मिनट के अंदर हो सकता है, इसको 5 मिनट भी कर सकते हैं, यू सेट योर ओन रूल, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा जो भी काम 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है उसको उसी समय कर डालिए, डोंट पुश इट टू अनदर टाइम, अनदर डे। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जहां आप एक मैप बनाते हैं। आप में से कितने लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं? आई एम अज्यूमिंग बहुत लोग करते होंगे। आपको शायद उस जगह का रास्ता ऑलरेडी पता है, लेकिन तब भी गूगल मैप्स पर जब आप रास्ता देखते हैं, वक्त वो आपको बताता है, तो एक तरीके का सुकून मिलता है, मिलता है कि नहीं? मुझे तो पक्का मिलता है, क्योंकि एक तरीके का ना प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है कि हमें पता है कि यहाँ थोड़ी सी भीड़ होने वाली है, हमें पता है कि 30 मिनट लगने थे 30 मिनट ही लगने वाले हैं, हमें पता है कि हम उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। दिस इज द पर्पज ऑफ मैप। The map is not only to tell you कि जाना कहाँ है,
इट ऑल्सो टेल्स यू कि जाते हुए आपको क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी है एंड वॉट इज द नेचर ऑफ दैट। तो कोई भी काम अगर उसका एंड रिजल्ट अगर आप देखेंगे ना, तो लगेगा यार इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई 2 साल बाद किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसकी शुरुआत अभी करनी है, या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है वो 2 महीने का पूरा प्रोसेस चलेगा, या आप 5 साल बाद किसी फॉरगेट एवरीथिंग, आप पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं शुरू कर रहे हैं, प्रोकेस्टिनेट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगता है यार 5 साल बाद उस पैसे का कुछ होगा तो वाई शुड आई। द एंड गोल ऑलवेज फील्स लाइक बहुत बड़ा है, एक ऐसा राक्षस है जो इतना बड़ा है कि उसके सामने तो हमारी कुछ भी नहीं चलेगी, सो वाई इवन बॉदर। लेकिन अगर उसी बड़े से राक्षस को, बड़े से गोल को हम छोटे छोटे मैप्स में बांट, यू बिगिन टू विजुअलाइज द जर्नी एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब कभी भी मैं एक बड़े गोल पे स्टार्ट होता हूँ, सो आई लिटरली मेक लाइक अ मैप कि हम स्टेप 1 यहां से शुरू करेंगे, फिर हम यहां से राइट लेंगे, फिर यहां से लेफ्ट लेंगे। एग्जैक्टली द सेम वे विद अ प्रोसेस एज वेल कि हम शुरू करेंगे, लेट्स से कोर्स बनाना है, कोर्स बनाने का स्टेप 1 होगा कि हम कोर्स का नाम डिसाइड करेंगे, स्टेप 2 फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि उस कोर्स का टारगेट ऑडियंस कौन सा होगा, फिर स्टेप 3 हम ये डिसाइड करेंगे कि उस टारगेट ऑडियंस की जिंदगी में क्या क्या दुविधाएं हैं जिसके लिए उन्हें ये कोर्स चाहिए होगा, स्टेप 4 उन दुविधाओं को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो वो अप्रिशिएट करेंगे, स्टेप 5 वो सारी चीजें हम कैसे बढ़ा सकते हैं तो वो फ्लो क्या आएगा, स्टेप 6 उस फ्लो को हम कैसे एक 8 हफ्ते का या 2 हफ्ते का या 3 घंटे का प्रोग्राम बनाएंगे, स्टेप 6 ये सब कौन पढ़ा सकता है, तो छोटे छोटे पुर्जे की एक मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, फिर उसके बाद जो पढ़ा सकता है वो किस ढंग से पढ़ाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाएगा, प्रोजेक्ट से पढ़ाएगा, या किसी डेमो से पढ़ाएगा, या असाइनमेंट से पढ़ाएगा, व्हाटएवर द केसेस। सो यू गेट द ड्रिफ्ट, ये कोर्स बनाना है। लेकिन अगर मैं सोचूं ना यार कोर्स बनाना है किसी को यूट्यूब सिखाने के लिए तो इतना बड़ा पहाड़ लगता है, लेकिन जब इसको छोटे 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 स्टेप्स में विजुअलाइज करके आप ब्रेक डाउन करते हैं, यू मेक इट ईजियर फॉर योर सेल्फ एंड बीट प्रोकेस्टिनेशन। नंबर 4, टाइम ब्लॉकिंग, प्रूवन टेक्निक टू वर्क, टाइम ब्लॉक करिए। आर माइंड इज ट्यून्ड टू ऑपरेट अराउंड डेडलाइंस। प्रोकेस्टिनेशन का सबसे फंडामेंटल रियलाइजेशन क्या है कि मैं 1 हफ्ते के काम को प्रोकेस्टिनेट करता रहता हूं, करता रहता हूं, करता रहता हूं, एंड लास्ट के दिन पे मैं वो सारा 1 हफ्ते का काम एक ही बार में कर देता हूं। हाउ डज इट वर्क? क्योंकि एक डेडलाइन है, एक इंपोजिशन है, एक लिमिट है जिसके बियॉन्ड में प्रोकेस्टिनेट कर ही नहीं सकता। सेट द सेम थिंग फॉर योर लाइफ। तो टाइम ब्लॉक क्या करता है? टाइम ब्लॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक टाइम ब्लॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां आप अपने वक्त को ब्लॉक करते हैं एंड बोलते हैं कि इस वक्त के खत्म होने से पहले मैं ये काम एक्स वाई जी जो भी है वो करके ही रहूंगा, बिकॉज दैट इज माई प्रोकेस्टिनेशन लिमिट। इसके बियॉन्ड में प्रोकेस्टिनेट इस छोटे काम के लिए कर ही नहीं सकता। नाउ इफ यू हैव डन द विजुअलाइजेशन पीस पहले, देन ये बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन प्लस टाइम ब्लॉकिंग वर्क्स लाइक मैजिक। आपने पूरे पहाड़ को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया एंड उन छोटे टुकड़ों को अब आप टाइम ब्लॉक करके चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट सडनली मेक्स यू इमेंसली प्रोडक्टिव व्हाइल नेवर प्रोकेस्टिनेटिंग। एंड 5th, इट ऑलवेज वर्क्स, अकाउंटेबिलिटी। गो बैक टू कि लास्ट दिन पे आप वो काम क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं यार अंकुर ये टाइम ब्लॉकिंग वाइम ब्लॉकिंग तो अच्छी है लेकिन खुद के साथ ही तो करनी है, खुद को मना लेंगे, खुद को तो आसानी से झूठ बोल सकते हैं ना, बोल देंगे यार कुछ हो गया, बीमार पड़ गए, भूख लग रही थी, कोई मम्मी पापा ने बुला लिया, कोई काम आ गया, गया बाहर में टाइम ब्लॉक। दैट्स वेयर यू ब्रिंग इन अकाउंटेबिलिटी। Why does it happen towards the end? क्योंकि कोई और उस काम की वेट कर रहा है, वो आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी और शख्स हो सकता है, लेकिन एक दूसरा इंसान है जो डंडे मार के उस काम के आपकी वेट कर रहा है। Now you put the same thing through accountability. आप एक ऐसे शख्स को अपॉइंट करेंगे जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनेगा और वो आपको उसी ढंग से डंडे मारेगा, नॉट इन फिगरेटिव सेंस, मतलब नॉट इन रियल सेंस, फिगरेटिवली, कि बोलेगा अंकुर ये टाइम ब्लॉक में आपको ये करना था, किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या चल रहा है। सो दे विल
actually make you feel quote unquote bad for not adhering to the time block and getting your work done. ये accountability partner ना लगते हैं ये दोस्त वोस्त होंगे ना तो इनको तो हम ऐसे मना लेंगे, लेकिन नहीं, हमारे जहन में हमारा दिमाग बहुत अलग ढंग से काम करता है. The minute there is an external side to it, we become a lot more aware and a lot more conscious कि हम किसी के trust को, किसी के भरोसे को बार बार let down ना करें. And that makes accountability work really well. ये short term techniques आप कल से ही deploy कर सकते हैं to start beating procrastination. लेकिन ये, as I said, short term techniques हैं. ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगी, विच इज व्हाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेट इन द फर्स्ट प्लेस. तो उसको सॉल्व करने के लिए यू नीड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज. नंबर एक, जो आप जिंदगी में गोल सेट करते हैं, प्लीज उनको अचीवेबल गोल्स बनाइए. बहुत बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं 25 तक पढ़ाई, 30 तक शादी और एक बच्चा, 35 तक दो बच्चे, घर, 40 तक बंगला, गाड़ी, शान, शौकत, इंटरनेशनल वेकेशंस. हर एक गोल को अचीवेबल तो दूर की बात है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें आप इस उम्र तक नहीं पा सकते. मैं ये बोल रहा हूं कि इनको सेट करने का और इस टाइम को सेट करने का कोई सर पैर नहीं था, ये हवा से आ गया. दुनिया ने बोला, समाज ने बोला 25 तक शादी कर लो, 25 तक पढ़ाई कर लो, 30 तक शादी कर लो, एक बच्चा कर लो, तो आपने बोला हाँ यही अच्छा है, इसी से शुरू करते हैं. एंड सडनली यू फील लाइक वक्त बीते जा रहा है, आप इसकी तरफ कुछ काम नहीं कर रहे, and the goal is becoming bigger and less achievable. तो आप उसको और procrastinate करना शुरू कर देते हैं. It's counterintuitive. What you have to do is set goals that you know you can achieve. I'll give you a great example. रुचि और मैं अभी एक fitness routine में है. And रुचि अक्सर बहुत बढ़िया, रुचि मेरी wife है, रुचि बहुत बढ़िया बात बोलती है कि fitness routine में diet एक बहुत important चीज होती है, हम सबको पता है. मैं कभी भी कोई ऐसा डाइट नहीं फॉलो करूंगी जो मैं लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, हमें मीठा बहुत पसंद है, तो हम कभी भी डाइट में ना ऐसी डाइट में नहीं जाएंगे जहां हम मीठा बंद ही करते. हम एक ऐसी डाइट में जाएंगे जहां हम मीठा खा सकते हैं इन मॉडरेशन, एंड हमें पता है कि कब कब खा सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू फॉलो. ये एक अचीवेबल गोल या टारगेट है, इसके चलते हम प्रोकेस्टिनेट नहीं करते. हम ये नहीं बोलते यार कल से फिटनेस रूटीन शुरू करेंगे, परसों से करेंगे, तरसों से करेंगे. हमें पता है कि ये करने से हमारी जिंदगी बेटर बनेगी, हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, हमारा शरीर हमें रिस्पेक्ट देगा. सो वी हैव टू स्टार्ट टुमारो, एंड वी ऑल्सो नो कि इसको पालन करने के जो सारे साधन है वो अब हमारे बस में है, क्योंकि हमने इसको अचीवेबल बना लिया है. हमने कोई ऐसा डाइट नहीं फॉलो करने की कोशिश करी है जो हम एक हफ्ते बाद ही गिव अप मारने की कोशिश कर रहे हो ना. This is the example of beating procrastination using achievable goals. Number two, अपने environment को clutter-free बनाइए. And when I say environment, I don't mean just physical things. ये नहीं कि आपका desk clean होना चाहिए या आपकी सारी चीजें संभली होनी चाहिए. It also means your relationship environment. वो लोग जो आपके दोस्त हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं या माँ बाप भी हैं, रिश्तेदार हैं, colleagues हैं, how do they make you feel and how do they operate on a daily basis? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उन लोगों से घिरे रहना जो कि procrastinate करते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं because you do it, या आपको गाली गलौज देते रहते हैं that you often procrastinate, आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते, आपको कभी भी encourage नहीं करते, आपको कभी भी support नहीं करते, and you still have to show up as the person who is winning. Impossible है ना दोस्त. It's like अगर शराब छोड़नी है तो आप शराबियों के बीच में शराब छोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते, नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा. द सेम वे यू हैव टू मेक योर एनवायरनमेंट क्लटर फ्री. इट स्टार्ट्स विद फॉलोइंग द राइट काइंड ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. आप अपने 20s में है मोस्ट लाइकली, एंड आप ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त फोन पे सोशल मीडिया पे बिताते, चाहे वो यूट्यूब हो या नेटफ्लिक्स हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या डिस्कॉर्ड हो या कुछ भी हो. आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं विल डिटरमिन कि आप अपने दिमाग में कौन सी कहानियां बुन रहे हैं, विल डिटरमिन कि आप जिंदगी में कैसे पेश आते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने एनवायरनमेंट को स्टार्टिंग विद योर कंटेंट क्लटर फ्री बनाइए. नंबर टू, मेक योर एनवायरनमेंट क्लटर फ्री व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स, पर्टिकुलरली वो रिलेशनशिप जो आप चूज कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स भी. उन लोगों को चूज करिए जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको पॉजिटिव बनाते हैं, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने के लिए तैयार है, बिकॉज दे वॉन्ट टू हेल्प यू ग्रो, एंड दैट इज वॉट यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद. एंड लास्टली, अपने एनवायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करिए अगर आप उनको चूज नहीं कर सकते.
दिस इज लार्जली फैमिली. बहुत सारे लोग हैं जो एक ऐसी फैमिली में रहते हैं जो टॉक्सिक है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है. एंड माय ओनली सजेशन ऑफन इज कि अगर आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है देन प्लीज मूव आउट, बिकॉज दैट वे यू विल सेव योरसेल्फ एंड द रिलेशनशिप. मूव आउट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना बेटा बेटी का फर्ज निभाना बंद कर देंगे. इट जस्ट मीन्स कि आप एक दूरी बना के रखेंगे ताकि आप हमेशा उनके लिए हो जब भी उनको आपकी जरूरत हो, लेकिन आप उनके साथ रहकर उनकी जिंदगी और उनकी जद्दोजहद में अपनी जिंदगी ना पीसते. एंड फाइनली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, गुड एक्सरसाइज एंड गुड न्यूट्रिशन. इसका एक साइंटिफिक रीजन है. व्हेन वी एक्सरसाइज, व्हेन वी ईट वेल, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. एंड द वे आर बॉडी रिस्पॉन्ड्स इज द वे दैट आर माइंड रिस्पॉन्ड्स. हमारी माइंड और बॉडी ना इंटरकनेक्टेड है, वो अलग विपरीत प्रणाली नहीं है. ये नहीं है कि हमारी बॉडी अलग चल रही है और हमारा दिमाग अलग चल रहा है. एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड आप ये जानते हैं. सो इफ यू फील गुड अबाउट द बॉडी दैट यू हैव, इफ यू फील हेल्दी, इफ यू नो दैट यू आर फिट, इट ऑटोमेटिकली मेक्स यू गेट अप एंड डू थिंग्स. आप चाहते हैं कि आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ, आपकी खुशी, आपकी ऑप्टिमिज्म ट्रांसलेट करे इनटू एक्शन, बिकॉज दैट्स हु यू हैव बिकम. सो स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर एक्शन ओरिएंटेड एंड ऑल्सो स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ टू मेक योर बॉडी एंड योर माइंड एक्शन ओरिएंटेड. ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बहुत वक्त लेती हैं. पैदा होके कोई भी माँ के पेट से ये सब लेके नहीं आता है. एंड ओनली थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू डेडिकेशन, थ्रू डिप्लॉयमेंट आप इनको अचीव कर पाएंगे. बट अंटिल यू डोंट डू दैट, आप हमेशा प्रोकेस्टिनेशन के एक विक्टिम रहेंगे, एक ऐसे इफेक्ट के अधीन बन जाएंगे जहां आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप कितने एंटी एक्शन बन चुके हैं. यू डोंट वॉन्ट टू बिकम अ एंटी एक्शन पर्सन. आप एक ऐसे इंसान हैं जो डू एपिक शिट करना चाहते हैं, विच स्टार्ट्स विद द वर्ड डू, करना. सोचते तो बहुत लोग हैं, ख्याल तो बहुत लोग बन, बहुत सारे लोग ही अरमान है, करते बहुत कम लोग हैं. And that do is the defining trait of everybody who's conquered procrastination. Epic ka matlab kuch aisa karna jo aap se bada hai. And shit ka matlab you have fun while you're doing it. Kabhi bhi aisa nahi lagta ki bojha hai. Kabhi bhi aisa nahi lagta ki aa rahe hain. Phir se video banane hain. Phir se wahi baatein bolni hain. Phir se logon ke liye. Now, I get up every single day wanting to create content for all of you kyunki mujhe pata hai ki chahe jitne bhi log isko consume karenge, unme se kuch log to honge jinki zindagi शायद थोड़े लेवल से बदल जाएगी. एंड दैट इज इनफ फॉर मी टू गेट अप एंड टू मेक दिस, बिकॉज आई जेन्युइनली लव हेल्पिंग पीपल. एंड डू एपिक शिट देन बिकम्स माय लाइफ मोटो, इट शुड बी योर्स एज वेल. प्रोकेस्टिनेशन को बीट करना है दोस्तों, ये बिलीव करना है कि दिस इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ, दिस इज नॉट अ इनएबिलिटी इन यू, इट इज जस्ट अ चॉइस दैट यू मेक ऑन हाउ टू एक्ट ऑन द थिंग्स दैट यू हैव टू डू. आई विल सी यू on the other side of procrastination as the action ninja. Ankur Variku signing off. मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं. एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन.